तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे लाइफ में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कभी ना कभी होती ही हैं, पर वो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कभी ना कभी हो तभी तक सही भी हैं, पर अगर ये चीज़ें आपके साथ हमेशा हो रही हैं तो यकीन मानिए ये आपके लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। दोस्तों, भूत, प्रेत, साया, डायन, इन सभी चीज़ों को आप माने या ना माने, पर इनके अस्तित्व को आप पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि कई ऐसे लोग हैं जो उनको देखने का दावा भी करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर काफ़ी बातें होती हैं, पर इसकी भयावहता को वही अच्छे से बता सकता है जिसने इसे खुद महसूस किया हो। वैसे तो भारत में कई ऐसे हॉन्टेड स्थान हैं जिनके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं, पर कई ऐसे लोग भी हैं जो भूतों को देखने और उनके होने का दावा भी करते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा ही टॉपिक बताऊँगा जो आपके साथ कभी ना कभी हुआ ही होगा। आप रात को कितने बजे वॉशरूम जाने या पानी पीने के लिए जागते हैं? क्या आप डेली एक निश्चित समय पर ही जागते हैं? और क्या वो समय रात के 2 से 3 बजे तक का ही होता है? और अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि कोई प्रेत आत्मा आपको रात को सोते हुए देखती हो, जिसके लगातार देखने के कारण आपकी नींद सेम उसी टाइम पर खुल जाती हो और आपको डेली पानी पीने या वॉशरूम जाने के लिए उसी टाइम पर जागना पड़ता हो। दोस्तों, अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये घटना हुई थी रोहन नाम के एक लड़के के साथ, जिसकी नींद रात को डेली 2 बजे ही पानी पीने के लिए खुल जाती थी। हद तो तब हो गई जब सोने से पहले काफ़ी अच्छी तरह पानी पीने के बावजूद भी उसे रात को ठीक उसी समय प्यास लग जाती और इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहने लगा। लेकिन इसी तरह समय बीतता गया लेकिन हालात नहीं बदले। पहले तो उसे लगा कि शायद वो उसी समय उठने का आदी हो गया है, पर एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सारी धारणाएँ बदल दी। वो एक रात फिर हमेशा की तरह वो पानी पीने के लिए उठा, लेकिन वो रात कुछ अलग थी। वो रात पूर्णिमा की रात थी, यानी पूर्णमासी की रात थी। पानी पीने के बाद जैसे ही उसने फ्रिज बंद करने लगा, तभी उससे फ्रिज के पास लगे शीशे में अपने पीछे एक छोटे बच्चे का साया दिखाई दिया। उसे देखकर वो काफ़ी डर गया, जिसे देखने के बाद उसने चीखना चाहा, पर उसके मुंह से क्या आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वह सिर्फ अपने हाथ पैर ही चला पा रहा था। रोहन अपने हाथ पांव चलाए जा रहा था और उस छोटे बच्चे का साया उसके करीब आता जा रहा था, और डर के मारे वो और तेज़ अपने हाथ पांव को पटकने लगा। जैसे जैसे हाथ पांव पटकने लगा, तभी उसकी माँ ने उसे जगाया, और जागते ही उसने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। तो रोहन के भाई ने बोला, ये स्लीपिंग पैरालिसिस यानी नींद के कारण हुआ होगा। तब दूसरे दिन आस पड़ोस के लोगों को जब इस बार घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने बताया कि इससे पहले इस घर में एक परिवार रहता था जिसके छोटे से बच्चे की मौत फ्रिज में पानी निकालते टाइम करंट की वजह से हो गई थी, और इसी वजह सुनते ही उसकी मां ने उसी शाम उस घर में हवन करवाया। और यहाँ तक कि कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और मनोविज्ञानियों का कहना है कि लगातार आपको कोई अगर घूरता है तो आपकी नींद टूट जाती है, और अगर आपको रात में कोई इस तरह घूरता है तो ये वाकई में एक चिंता का विषय है। ये किसी भी तरह की बाहरी शक्ति भी हो सकती है। तो क्या आपके साथ ये चीज़ें होती हैं? और अगर आपके साथ ये चीज़ें होती हैं तो आपको वाकई में सतर्क होने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।